For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. शो नजर में पिया और अंश की जिंदगी अब एक दूसरे से मिलने जा रही थी, क्योंकि अंश पिया की शादी तुड़वाने मंडप में पहुंच गया था और उसने पिया से कह दिया था कि जैसे ही तुम इस बाली को हाथ लगाओगी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मगर पिया अंश की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो उसकी हर बात को दरकिनार कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये इंसान डायन का भेजा हुआ है और वो उसकी और नमन की शादी रोकना चाहता है। मगर उसके बाद जैसे ही अंश ने आदि का नाम लिया तभी पिया को कुछ अजीब सा लगा, पिया को कुछ याद आया। पिया समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या है जो उसे महसूस हो रहा है, लेकिन जल्द ही जब बार बार अंश ने आदि का वास्ता दिया पिया को, तो फिर पिया मजबूर हो गई अपने कदमों को रोकने के लिए। और जैसे जैसे पिया के कदम रुके वैसे वैसे इन धीमे कदमों ने उस बाली पर पैर रख दिया और पिया को सब कुछ याद आ गया। और फिर पिया दौड़कर अंश के पास चली आई और उसने अंश से कहा कि हम अपने आदि को बिल्कुल ठीक कर देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आदि हमारा ज़रूर पहले जैसा हो जाएगा। तभी अंश के पास उसके घर से फ़ोन आता है और फ़ोन पर बताया जाता है कि मोहना आदि को लेकर कहीं भाग गई है। ये सुनकर अंश और पिया दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं। अब क्या ये दोनों अपने बेटे को बचा पाएंगे? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू ताकि हम आपको दे सकें ये अपडेट। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.